हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला। मेरे विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल विधान किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर देखने टिप्स एंड ट्रिक्स। इस टिप में मैं आपको ये बताऊंगी कि खीरे की चटनी कैसे बनाएं। खीरे की चटनी जो है बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है और आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये वेट लॉस चटनी है। इससे आपका वजन कम होगा, आप दोपहर में खाएं, रात में खाएं, जब आपका मन हो तब खाएं। ये चटनी जो है बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो चलिए मैं आपको इस टिप में आज खीरे की चटनी बता देती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। खीरे की चटनी बनाकर आप जरूर खाइएगा। तो खीरा है, खीरे को हम काटेंगे, इसे पील नहीं करना है, इसका छिलका भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल पील मत कीजिएगा और इसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लीजिए। आपको इसमें अलग से पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खीरे में अपना ही पानी होता है और बहुत ही यूजफुल होता है वो पानी हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए और खाना पचने में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखिए, ये खीरा मैंने काट के डाल दिया है। अब इसमें मैं एक छोटा चम्मच जीरा यूज करूंगी। जीरे के फायदे तो आप जानते ही हैं, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब लेंगे हम हरी मिर्च, आप हरी मिर्च ही लीजिएगा, लाल मिर्च मत लीजिएगा क्योंकि हरी मिर्च के अपने फायदे होते हैं। तो लाल मिर्च डाल, हरी मिर्च डाल देते हैं, आपको जितना स्पाइसी पसंद हो वो डालिए और लहसुन जरूर डालिए, आप स्किप मत कीजिएगा। तो लहसुन डाल दिया मैंने। अब मैं जो डालूंगी वो है हरा धनिया। इस तरीके से हम हरा धनिया डाल देंगे। तो ये धनिया मैंने डाल दिया है, अगर आपके पास पुदीना हो तो आप उसे भी यूज करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा खीरे की चटनी का। और मैं यहाँ पे नींबू यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह पे दही यूज कर सकते हैं, खट्टा दही, उससे जो है बहुत ही अच्छी चटनी रेडी बनकर तैयार होता है। और मैं नींबू यूज कर रही हूँ, नींबू से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बढ़िया अच्छा तरीके से हम नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। तो ये गया और ये शानदार जो चटनी बनकर रेडी होगा। तो आप इसे हमेशा बनाएंगे, बस एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। एक सीड्स चला गया, निकाल दो वरना वो कड़वा कर देगा। तो अब हमें क्या डालना है, लास्ट जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है नमक। नमक हम इसमें यूज करेंगे स्वाद अनुसार, ज्यादा नमक यूज मत कीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में भी ऐड कर लीजिएगा। अब इसे बंद करके मैं इसे ग्राइंड करके आपको दिखा। तो यहाँ पर खीरे की चटनी जो है बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए आप, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से खीरे की चटनी बनकर रेडी हुआ है। तो इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि इस चटनी का फायदा क्या है, एक तो आपका वेट लूज होगा इसको यूज करने से, दूसरा आप इसे एंजॉय करें पराठे के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ, तो जिस चीज के साथ भी आपको अच्छा लगता हो चटनी तो आप इसे यूज करें। चटनी तो वैसे भी सबको भाती है, लोग कई तरह की चटनियां बनाते हैं। तो ये है खीरे की चटनी, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरी अपनी पर्सनल टिप है प्लीज। इस टिप में मैं आपको ये बताऊंगी कि बीट रूट की चटनी कैसे बनती है। मैं अक्सर बीट रूट की चटनी बनाती हूँ क्योंकि मैं इसे ऐसे ही खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो इसके लिए मैं इसकी चटनियां बना लिया करती हूँ। और बीट रूट तो आप जानते हैं भरपूर मात्रा में आयरन होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसे हम कैसे अपने डेली के खाने में रूटीन यूज कर सके कि हमें बोर भी ना लगे और ये बहुत ही अच्छा लगे और टेस्टी लगे। तो बीट रूट की चटनी मैं कैसे बनाती हूँ, मैं आपके साथ ये टिप जो है शेयर कर रही हूँ। तो बीट रूट को मैंने अच्छे से छील कर धो लिया है और इसे बारीक बारीक हमें छोटे छोटे चॉप करना है। और मैं इसे ग्राइंडर जार में, चटनी के जार में मैं इसे डाल देती हूँ। अब मैं बीट रूट की चटनी को और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें लहसुन की कुछ कलियां डाल रही हूँ। अगर आपको लहसुन ना पसंद हो तो आप स्किप कर दें। लहसुन मैंने डाल दिया है और साथ ही आपको जितना स्पाइसी पसंद हो आप हरी मिर्च ऐड करें। और हरा धनिया और अगर आपके पास पुदीना हो तो पुदीने की पत्तियां आप इसमें ऐड करें, चटनी का स्वाद और बढ़ जाएगा।
स्वाद के लिए मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, नमक स्वाद अनुसार ही हमें रखना है। अब मैं इसमें जो यूज करूंगी वो है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर, अगर आप अमचूर पाउडर डालना यूज करना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह एक नींबू का रस, और अगर आप नींबू का रस भी नहीं है तो फिर आप 3 से 4 चम्मच खट्टा दही यूज कर लें। बहुत ही अच्छी चटनी बनकर रेडी होगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर यूज कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच के करीब पानी यूज कर रही हूँ ताकि ये इजिली ग्राइंड हो जाए, क्योंकि बीट रूट में जो है वो जूस बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो बस अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो चटनी हमारी रेडी हो गई है। ये बीट रूट की चटनी जो है बहुत ही हेल्दी चटनी हमारा तैयार है। आप चाहें तो बीट रूट चटनी का वेरिएशन और टेस्ट बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इसमें कोकोनट यूज कर लें, चाहे तो कोई ड्राई फ्रूट, या फिर आप मूंगफली यूज कर सकते हैं। तो वो आपके पर डिपेंड करता है। मैं इसे बनाती हूँ और लगभग डेली हम इसे यूज करते हैं क्योंकि बहुत ही हेल्दी चटनी है। तो इस तरह से ये चटनी जो है बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे दोपहर के खाने में, डिनर में, या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये बीटरूट चटनी बहुत ही हेल्दी है, इसे जरूर आप ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल, आप एक बार बनाएंगे तो आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। और आप इसे रेगुलर बनाना पसंद करते हैं, और अगर आपके यहाँ पर मेहमान गेस्ट आते हैं तो आप इस तरह से बीटरूट की चटनी सर्व कर सकते हैं। इडली, डोसा, आप किसी के साथ भी, रोटी, चपाती, पराठा के साथ, किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस टिप को आप जरूर फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, आज की टिप एंड ट्रिक्स में मैं फिर एक बार लेकर आई हूँ एक स्पेशल चटनी की रेसिपी। लहसुन की चटनी, आप मिर्च की चटनी, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, बिल्कुल धमाकेदार है। और एक ऐसी मेथड से मैं बनाऊंगी कि आप इसे 6 से 7 महीने तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होने वाला है। अगर आप लहसुन की चटनी के लवर्स हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। और आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछले वीडियोस में कई ऐसी नई नई इनोवेटिव चटनियां मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज विधान किचन में जाकर उसे देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी बनाएंगे हम, तो मैंने इसे पैन चढ़ा दिया है इसमें, और हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका जो भी फेवरेट फ्लेवर का ऑयल है आप वो यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉन फ्लेवर ऑयल यूज किया है। तो ऑयल जो है हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो मैं अब फ्लेम ऑफ कर दूंगी, क्योंकि अब हमारा काम जो है वो ऑयल गर्म करने का था। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर जीरा, 1/2 चम्मच मेथी, अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, लहसुन के बाद हम ऐड करेंगे रेड चिली। आपको जो जितना स्पाइस करना है आप उतना स्पाइसी रेड चिली यूज कर सकते हैं। इसे हम मिक्स करेंगे। बस हल्का सा हमें मिक्स करना है इसे। अब इसी में मैं ऐड करूंगी नमक, 1 चम्मच भरकर नमक ऐड करेंगे क्योंकि इसमें अभी खटाई जाएगा। थोड़ा सा हल्दी, ये सारा प्रोसेस हमें ऑयल गरम में ही करना है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड करेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। इन सभी चीजों को ऑयल के साथ में ही हमें ग्राइंड करना है, और कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है। पानी बिल्कुल हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे 6-7 महीने तक, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी चले तो आप इसी प्रोसेस से चटनी जरूर बनाइएगा। और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। साथ ही मैं इसमें नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। ये जो है एक अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और बहुत अच्छा खटाई देगा। और आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो ये गया 1 नींबू का रस। अब मैं इसे आपको चर्न करके दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, लहसुन की चटनी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी होगा। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और जायकेदार चटनी है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से इसे बनाया, बहुत ही टेस्टी है और काफी समय तक ये चलेगा। तो आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में अगर बनाएं तो इसी मेथड से बनाएं, और जब चाहे मन इस चटनी का आनंद उठाएं, चाहे आप समोसे के साथ खाएं, चाहे आप पूरी पराठा के साथ खाएं, या चपाती के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, तो आप इसे एंजॉय करें। बिल्कुल फॉलो कीजिए मेरे इस टिप को। तो फ्रेंड्स, इस टिप में मैं केला यूज कर रही हूँ और इस केले से मैं बनाने जा रही हूँ केले की चटनी। जी हाँ, मैं केले की चटनी बनाने जा रही हूँ और मैं जो है कई तरीके की चटनी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं केले की चटनी आपको बताती हूँ कि केले की चटनी किस तरह से बनाते हैं। तो केला को जो है धो लें, कच्चा केला ले लें, केला को धो लें और फिर इसे छील लें और इस तरीके से आप रफली चॉप कर लें इसे। पुराना केला, ताजा केला, बट कच्चा होना चाहिए, दोनों चलेगा। तो केला को हमने काट लिया है। अब इस केले को हम इसमें ग्राइंडर जार में डाल देंगे, चटनी वाले जार में। थोड़ा ज्यादा लग रहा है, चटनी जार छोटा है, तो मैं इसे दो पार्ट में ग्राइंड करूंगी। तो अब मैं इस कच्चे केले में क्या ऐड करूंगी, वो मेन है। आप देखिए, सबसे पहले मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी। तो ये धनिया मैंने ऐड कर दिया है। आपको जो भी ऐड करना हो धनिया पुदीना पर ऐड जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हरी मिर्च ऐड कर दिए, स्पाइसी पे डिपेंड करता है आपको कितना स्पाइस पसंद है। और लहसुन जरूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा जबरदस्त फ्लेवर आता है। तो अब केला जो है वो काला भी हो सकता है, तो इसके लिए हम इसमें यूज करेंगे नींबू। तो आधा नींबू का रस जो है मैं इसमें अच्छे तरीके से निचोड़ दूंगी। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर खट्टा वाला आपको लेना है, बहुत पुराना मत लीजिएगा, क्योंकि पुराने अमचूर पाउडर जो है वो खट्टे नहीं होते हैं। तो बस अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये बहुत इजिली जो है चटनी रेडी हो जाए हमारी। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब मैं चटनी रेडी करके आपको दिखाती हूँ। कच्चे केले की चटनी जो है हमारी रेडी हो गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है कच्चे केले की चटनी। अगर आपको सिलबट्टे की पसंद है तो आप सिलबट्टे में कूट लीजिए इसे। और ये मैंने चटनी जार में ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरीके से केले की चटनी रेडी है। तो अब मैं इसे एक बोल में डाल देती हूँ। तो ये है कच्चे केले की बेहतरीन चटनी फ्रेंड्स, जो मेरी टिप है, मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसी और ही अनगिनत और अनोखी चटनियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रहे हो मेरे टिप एंड ट्रिक्स, तो मेरे चैनल विदान किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए, ये है कच्चे केले की चटनी। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें नींबू क्यों यूज किया। केला जो है वो काला पड़ जाता है, इस वजह से मैंने इसमें नींबू का रस यूज किया है। इससे फ्लेवर भी एनहांस होता है और जो केले की चटनी है वो उसका कलर भी बहुत अच्छा निखर कर आता है। इस टिप को जरूर फॉलो कीजिए।